दोस्तों नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का विकास का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध। जो पर्यावरणीय शिक्षा है तो शिक्षा का विज्ञान क्या है और सामाजिक विज्ञान से उसका संबंध क्या है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज्ञान का क्षेत्र। तो विज्ञान का क्षेत्र क्या है, विज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है, इसके क्षेत्र में कौन किन भागों में इसके हम बांट सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान को हम जो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं उसमें देखिए सबसे पहले भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ विषय आते हैं उनकी भी हम बात करते हैं इसमें। तो भौतिक शास्त्र की बात करेंगे। भौतिक शास्त्र के अंतर्गत ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा, चुंबक और ध्वनि आदि विषय के क्षेत्र आते हैं। दूसरा हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं। तो रसायन शास्त्र में आप देखिए इसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के संयोजन, गुण, क्रियाएं, संरचना आदि की के विषय में या आदि के क्षेत्र की बात यहाँ पे हम करते हैं। फिर बात करेंगे हम खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी से परे समस्त ब्रह्मांड के विषय में हम अध्ययन करते हैं। अब आप भी जानते हो कि खगोल शास्त्र में जो पृथ्वी है इसके संबंध में हम जो भी बातें हैं, ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं के विषय में यहाँ पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके बाद में भूविज्ञान की बात करते हैं कि भूविज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं उनकी हम यहाँ बात करते हैं, उसके भी कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसे भूगर्भ शास्त्र की बात करते हैं। भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, इतिहास तथा संरचना के विषय के क्षेत्र आते हैं कि भूगर्भ शास्त्र जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने दिनों में क्या हुआ, ये सब बातें आएगी। उसका इतिहास रहेगा पूरा, आज तक के विषय में जो बातें हुई है उन बातों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इस विषय में उनकी संरचना कैसी है वो पूरी बातें यहाँ भूगर्भ शास्त्र में पढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं हम समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र के अंतर्गत समुद्रों के विषय में अन्वेषण तथा अध्ययन आते हैं कि समुद्र के विषय में हम अन्वेषण करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अन्वेषण का सीधा सीधा तात्पर्य है उनके संबंध में खोजबीन करेंगे, उनकी जानकारी जुटाएंगे। तो जो समुद्र के विषय में बारीकी से जानकारी जुटाने का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं वह समुद्र शास्त्र कहलाता है। अगला देखते हैं हम जीवन विषयक विज्ञान, और जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान के भी जो विषय हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जीव विज्ञान में आप जानते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, इसमें समस्त वनस्पतियों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। फिर देखते हैं प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र के अंतर्गत हम प्राणियों तथा उनके जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं। अनुवांशिक शास्त्र, इसमें अनुवांशिक शास्त्र के अंतर्गत वंशों के विषय में अध्ययन किया जाता है। औषधि विज्ञान, औषधि में रोग निदान की बात करते हैं, उपचार के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विज्ञान के जो क्षेत्र हैं इनमें आप देखिए भौतिक शास्त्र जो है, इस भौतिक शास्त्र को हमने भौतिक विज्ञान को भौतिक शास्त्र में बांट दिया, रसायन शास्त्र में बांट दिया, इसी प्रकार खगोल शास्त्र आया, फिर भूविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और समुद्र शास्त्र, इसके बाद जीव विज्ञान का भाग आया। जीव विज्ञान में हमने देखा प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, अनुवांशिक शास्त्र और औषधि शास्त्र में हमने बांट दिया। इस प्रकार हमने इनका विभाजन कर दिया। तो विज्ञान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के हमने तीन भाग देखे और उनका भी हमने विभाजन यहाँ पे देखा। आगे की वीडियो में हम इसका आपको सहसंबंध क्या है सामाजिक विज्ञान से उस पर बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।